हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं सीगेट बैकअप प्लस अल्ट्रा टच पोर्टेबल हार्ड ड्राइव का। और ये बहुत ही यूनिक एंड प्रीमियम लुकिंग हार्ड ड्राइव है, जो कि आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स ऑफर करती है जो कि इस रेंज में आने वाली कोई और हार्ड ड्राइव ऑफर नहीं करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके रिव्यू की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले इस हार्ड ड्राइव की लुक्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको किसी भी नॉर्मल टिपिकल हार्ड ड्राइव की तरह वही डल एंड बोरिंग सा लुक नहीं मिलता है। यहाँ पर इस हार्ड ड्राइव में आपको बहुत ही यूनिक एंड प्रीमियम लुक देखने को मिलता है, और उसकी वजह है इस हार्ड ड्राइव में सामने की तरफ यूज किया हुआ ये वुवन फैब्रिक मटेरियल, जो कि आपको किसी और हार्ड ड्राइव में देखने को नहीं मिलता है। तो सामने की तरफ ये थोड़ा सा वुवन फैब्रिक मटेरियल का टच और उसके थोड़ा सा ऊपर ये सीगेट का क्रोम फिनिशिंग वाला लोगो, ये दोनों चीज मिलाकर इस हार्ड ड्राइव को प्रीमियम एंड यूनिक लुक देते हैं। मोरोवर ये हार्ड ड्राइव बहुत ही स्लीक एंड कॉम्पैक्ट है, जो कि इस हार्ड ड्राइव के ओवरऑल एक्सपीरियंस को और एनहेंस कर देते हैं, और इस हार्ड ड्राइव को डे टू डे टास्क में यूज करना और भी कन्वीनियंट हो जाता है। तो अब बॉक्स एंड बॉक्स कंटेंट्स की बात करें, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का बॉक्स मिलता है। तो मैं इसे पहले ही अनबॉक्स कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको आपकी हार्ड डिस्क मिलती है, और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ये USB 3.0 वाली केबल मिलती है, और आपको जो तीसरी चीज़ वो यहाँ पर मिलती है वो है टाइप सी कनेक्टर। तो आप इसे बड़े आराम से अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको यहाँ पर टाइप सी कनेक्टर मिलता है। और अब बॉक्स कंटेंट्स की बात करें और आपको बॉक्स में क्या मिलता है इसकी बात करें, तो यहाँ पर आपको कुछ और अच्छी सर्विसेज मिलती है जो कि आपको ये हार्ड डिस्क प्रोवाइड करती है, और जो कि बहुत यूनिक है, और कोई भी और हार्ड ड्राइव आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा यहाँ पर, ये है माई लियो क्रिएट। तो आपको यहाँ पर माई लियो क्रिएट का 1 ईयर का ऑफर मिलता है। तो बेसिकली माई लियो क्रिएट की बात करें तो ये एक गूगल ड्राइव की तरह ही है, और ये एक ऑनलाइन बेस्ड स्टोरेज है जिसे हम क्लाउड स्टोरेज भी कहते हैं। तो आप अपनी फोटोज को यहाँ पर ऑनलाइन अपने क्लाउड स्टोरेज पर स्टोर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इसका 1 ईयर का ये सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो आप इसे चाहें तो रिडीम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बात करें तो ये आपको ये 2 कोड्स देखने को मिलते हैं। तो ये 2 कोड्स बेसिकली इसलिए है कि जब आप अपनी हार्ड ड्राइव को पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कि जिससे आपके अलावा कोई भी आपकी हार्ड ड्राइव को एक्सेस नहीं कर पाए, तो जब आप अपनी हार्ड ड्राइव पर एक नया पासवर्ड सेट करेंगे तो आपको ये कोड वहाँ पर डालना होगा, तभी आप अपनी हार्ड डिस्क में एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और ये दूसरा कोड है यहाँ पर, ये है रीसेट कोड। इस कोड की ज़रूरत आपको तब पड़े कि जब आप अपनी हार्ड डिस्क का पासवर्ड भूल गए हो और फिर आपको अपनी हार्ड डिस्क को फैक्ट्री रीसेट करना हो, तो तब आपको ये 32 डिजिट का कोड यूज़ करना पड़ेगा, और इसकी मदद से ही आप अपनी हार्ड डिस्क को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, और इसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है, आपको इसे संभाल कर रखना होगा। और तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर ये एडोब क्रिएटिव क्लाउड फोटोग्राफी प्लान मिलता है। तो ये 2 मंथ की मेंबरशिप है, इसमें आप लाइटरूम CC और फोटोशॉप CC को यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो इसे भी रिडीम कर सकते हैं, और ये कुछ ज़्यादा काम का नहीं है। और यहाँ पर आपको एक ये क्विक स्टार्ट गाइड भी मिल जाती है, तो अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये एक तीसरी चीज़ भी मिलती है, और ये बहुत काम की चीज़ है, ये है सीगेट डेटा रेस्क्यू। तो ये बेसिकली डेटा रिकवरी सर्विस है, और ये सर्विस 2 साल के लिए वैलिड है। तो इसमें ये होगा कि जैसे आप अपनी हार्ड डिस्क परचेस करते हैं, तो परचेस करने के 2 साल के अंदर अंदर अगर आपकी हार्ड डिस्क को कुछ भी डैमेज होता है और वो चलना बंद हो जाती है, तो आपको सिंपली अपनी हार्ड डिस्क को सीगेट के पास शिप कर देना है, और शिप करने की फीस भी आपको सीगेट देगा। तो बस आपको अपनी हार्ड डिस्क को सीगेट के पास शिप कर देना है, और वहाँ पर उनका इंजीनियर आपकी हार्ड डिस्क को रिपेयर करेगा और आपकी डेटा रिट्राइव करके उसे एक और हार्ड डिस्क में डाल के आपके पास भेज देगा वापस। तो अगर आपकी हार्ड डिस्क कभी डैमेज होती है और आप इस सर्विस को क्लेम करना चाहते हैं, तो आप सिंपली seagate.com/data-recovery में जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस वेबसाइट में नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट अ केस का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, और उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये पेज खुल जाएगा, और इस पेज में आपको सारी डिटेल्स अपनी फिल आउट कर देना है, और यहाँ पर फिर नीचे आके प्लेस माई ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पर वेबसाइट में आप देखें तो आपको यहाँ पर रिकवरी सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है, तो आप ये क्लेम करने से पहले उस रिकवरी सॉफ्टवेयर से ज़रूर ट्राई करें अपना डेटा रिकवर करने का, अगर नहीं होता है तो फिर आपको ये क्लेम कर देना है। अब इस हार्ड ड्राइव की डेटा ट्रांसफ़र स्पीड की बात करें, तो मुझे जो यहाँ पर मैक्सिमम राइट स्पीड मिली है वो है 105 Mbps, और जो मैक्सिमम रीड स्पीड मिली है वो है 124 Mbps। तो यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि हार्ड डिस्क काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और इस हार्ड डिस्क में आप डेटा रीड और राइट बहुत जल्दी कर सकते हैं।
और अगर आप अपनी हार्ड ड्राइव में रखे हुए गेम्स डायरेक्टली अपने पीसी में प्ले करना चाहते हैं बिना उन्हें अपने पीसी में पेस्ट करें डायरेक्टली हार्ड ड्राइव से, तो वो भी आप यहाँ पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये स्पीड उस काम के लिए भी बहुत आइडियल है और डायरेक्टली आपको अपनी हार्ड ड्राइव से गेम्स प्ले करने में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी, और ये काम भी बड़ी आसानी से आप इस स्पीड के साथ कर सकते हैं। तो ये हार्ड ड्राइव आपके पीसी के साथ तो कंपैटिबल है ही, साथ ही में आपके मोबाइल फोन और टीवी के साथ भी उतने अच्छे से कंपैटिबल है। आप टीवी से चाहे तो अपने हार्ड ड्राइव में रखे हुए फोटोज और वीडियोस को स्ट्रीम कर सकते हैं, और अपने मोबाइल फोन से भी इस हार्ड ड्राइव में डेटा रीड या राइट कर सकते हैं, तो ये भी इस हार्ड ड्राइव की बहुत अच्छी बात है। तो अब बात करें इस हार्ड ड्राइव की बिल्ड क्वालिटी की, तो नो डाउट इस हार्ड ड्राइव की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन एक हार्ड ड्राइव बहुत ही फ्रेजाइल सा डिवाइस होता है, भले ही वो किसी भी ब्रांड का हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक हार्ड ड्राइव बहुत ही फ्रेजाइल सा डिवाइस होता है और थोड़ा सा भी इम्पैक्ट पड़ने पर वो हार्ड ड्राइव ख़राब हो सकती है और आप अपना डेटा खो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह का एक हार्ड ड्राइव केस ज़रूर ले लें, ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है, करीब 100 रुपये से 300 रुपये के बीच में एक आपको अच्छा हार्ड ड्राइव केस मिल जाएगा। मैं इस हार्ड ड्राइव केस की लिंक और 2-4 और हार्ड ड्राइव केस की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि अगर आप एक हार्ड ड्राइव ले रहे हैं तो इस तरह का एक हार्ड ड्राइव केस ज़रूर परचेज करें, जो कि आपके हार्ड ड्राइव को बहुत प्रोटेक्शन देगा, और प्रोटेक्शन देने के साथ साथ इस केस की वजह से हार्ड ड्राइव को कैरी करना भी बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, तो आपको उस काम में भी बहुत आसानी होगी। तो एक हार्ड ड्राइव केस ज़रूर ले जो कि आपकी हार्ड ड्राइव को प्रोटेक्ट करेगा। इस हार्ड ड्राइव के बैकअप वाले फीचर को यूज़ करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है सीगेट टूलकिट। आप जैसे ही अपनी हार्ड ड्राइव को पहली बार कनेक्ट करेंगे आपको उस समय इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, और अगर उस समय आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करते हैं, इसे स्किप कर देते हैं, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे तो यहाँ से आप अपनी हार्ड ड्राइव की सब स्पेस देख सकते हैं, और यहाँ से आप चाहे तो अपनी हार्ड ड्राइव को इजेक्ट भी कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर अपनी सारी फाइल्स को बैकअप करने के भी ऑप्शन मिल जाता है। आप इस ऑप्शन में जाएंगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने टाइम इंटरवल में आपका डेटा बैकअप हो जाना चाहिए और कौन कौन सी टाइप का डेटा बैकअप आपकी हार्ड ड्राइव में होना चाहिए। और आप अपनी कुछ फाइल खो देते हैं अपनी हार्ड ड्राइव में, या फिर उसे गलती से डिलीट कर देते हैं, या फिर वो डैमेज हो जाती है, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके उसे रिकवर कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर इस एप्लीकेशन की बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पर आपको मिरर का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसे कॉन्फ़िगर कर देंगे तो इसमें बेसिकली ये होगा कि जितना भी आपका डेटा है आपके पीसी में वो सब आपका हार्ड ड्राइव में चल जाएगा। फिर जैसे आप अपने पीसी में कुछ नया डेटा डालते हैं या फिर कुछ पुराना डेटा अपने पीसी से डिलीट कर देते हैं, और फिर आप अपनी इस हार्ड ड्राइव को अपने पीसी में जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो अपने आप आपने जो चीज़ ऐड किया था वो हार्ड डिस्क में भी ऐड हो जाएगी, और जो चीज़ आपने अपने पीसी से डिलीट किया था वो आपकी हार्ड ड्राइव से भी डिलीट हो जाएगा। तो ये भी बहुत काम का फीचर है, और उसके नीचे आपको ये सीगेट सिक्योर का ऑप्शन मिलता है। इससे आप अपनी हार्ड ड्राइव में पासवर्ड लगा सकते हैं जिससे कि कोई भी उस पासवर्ड के बिना आपकी हार्ड ड्राइव में डेटा को रीड या राइट नहीं कर पाएगा। तो सिक्योरिटी के हिसाब से ये बहुत काम का फीचर है। तो अगर आपको ये सारे फीचर्स यूज़ करना है तो आपको मेक श्योर कर लेना है कि आप इस सीगेट टूलकिट एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। अब वर्डिक्ट पर आए तो ये हार्ड ड्राइव अपने सेगमेंट की बेस्ट लुकिंग हार्ड ड्राइव है, और साथ ही में आपको इसमें 2 ईयर की डेटा रिकवरी सर्विस, 1 ईयर का माई लियो का सब्सक्रिप्शन और 2 मंथ्स का एडोब क्रिएटिव क्लाउड की मेम्बरशिप भी मिलती है, जो कि आपको कोई और हार्ड ड्राइव ऑफर नहीं करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये हार्ड ड्राइव अपनी स्पीड के मामले में भी बहुत तेज़ है, जो कि एक हार्ड ड्राइव की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप सोच रहे हैं इस हार्ड ड्राइव को परचेस करने का, तो आपको डेफिनेटली इसे परचेस कर लेना चाहिए, और आप इस डिसीजन पर कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।